क्या आपको पता है कि चार्ली चैपलिन का कनेक्शन इंडिया से था? जी हाँ, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो एंड तक बने रहें। तो शुरुआत करते हैं इसकी हिस्ट्री से। कहानी शुरू होती है 11th सेंचुरी से, जब टर्क्स ने इंडिया पर इन्वेजन किया और वो उसमें जीत भी गए। इसलिए वो इंडिया से बहुत सारे लोगों को लेके गए एज द स्लेव, जो जनरली वेस्टर्न इंडिया से बिलोंग करते थे, जैसे पंजाब एंड गुजरात। और धीरे धीरे ये स्लेव्स पूरे अरब कंट्रीज में फैल गए। फिर इनको एक नया नाम मिला जो था रोमानी, यानी कि जिप्सीज। बट क्वेश्चन ये राइज होता है कि इनका प्रेजेंट डे प्रूफ कहाँ है? तो प्रेजेंट डे में जिप्सीज एक मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, रशिया एंड बहुत सारे कंट्रीज में पाए जाते हैं। और इनके ट्रेडिशन हिंदू रिलीजन से बिल्कुल सिमिलर है, जैसे कि व्हाइट क्लोथ यहाँ पे सिंबलाइज करता है किसकी डेथ या सोरो से। इनकी गॉड एंड गॉडेसेस बिल्कुल वैसे सिंबलाइज करते हैं जैसे हमारे यहाँ काली, शिव, अग्नि करते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है इनकी लैंग्वेज, जो हिंदी डायलेक्ट से मैच करती है। जैसे इनकी काउंटिंग है यक, द्वि, किन, छतम, पंच, जैसे हमारे यहाँ होती है 1 2 3 4 5। और इनकी आम बोलचाल भी सिमिलर है, जैसे मैं जानू, मैं जाऊं, जा, कौन ही, काला, एक्सेट्रा। बट फिर भी ये इतने इनसिक्योर क्यों है? इसके पीछे का रीजन है लिटरेचर, क्योंकि इसने इनको ऐसा ही प्रेजेंट किया है कि जैसे चोर हैं, डाकू हैं, एंड इवन ये काला जादू भी कर सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ देयर स्किन कलर इनको हर जगह भेदभाव सहना पड़ा, और इसकी वजह से इनको नाजी कैंप्स में रखा गया और इनके छोटे बच्चों को एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करा गया। इन सब की वजह से इन्होंने अपने रिलीजन को ही कन्वर्ट कर दिया, जो अब क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम में चेंज हो चुके हैं। तो इसलिए हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चार्ली चैपलिन जैसे कॉमेडियन, पाब्लो पिकासो जैसे आर्टिस्ट एंड रीता हेवर्ड जैसी एक्ट्रेस का कनेक्शन कहीं ना कहीं इंडिया से था। तो गाइस, आज की वीडियो बस इतनी ही थी। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।